न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। शहर के पार्कों के रखरखाव का ठेका लेने वाले ठेकेदार ने एक बार फिर रेवाड़ी नगर परिषद में व्याप्त कमीशनखोरी की कलई खोल कर रख दी है। पहले ठेकेदार शीशराम ने जहां यह आरोप लगाया था कि बिल पास कराने के नाम पर नगर परिषद के अधिकारियों को काम का 19% तक कमीशन देना होता है और जो ठेकेदार कमीशन न देने की हिमाकत करता है उसे नाको चने चबाने पड़ जाते हैं, उसे कई तरह से बाध्य किया जाता है और हर हाल में कमीशन देना ही होता है। नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा तो ठेकेदार शीशराम ने पहले ही कर दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक एक अधिकारी अपना कमीशन लेते हैं या फिर नगर परिषद का ही कोई कर्मचारी कमीशन एकत्रित करता है। इसका खुलासा ठेकेदार शीशराम के आरोपों से हो जाता है। शीशराम का आरोप है कि वर्ष 2018 में बिलों के भुगतान के बाद बतौर कमीशन के 1.5 लाख रुपए नगर परिषद के कर्मचारी को दिए गए। ये 1.5 लाख रुपए नगर परिषद के उन तमाम अधिकारियों के नाम पर लिए गए थे जो बिल पास कराने का अधिकार रखते थे। शीशराम का तो यहां तक आरोप है कि उस वक्त नगर परिषद में बतौर प्रशासक नियुक्त एसडीएम के नाम पर भी कमीशन एकत्रित किया गया था। शीशराम ने आरोप लगाया है कि सहायक लेखाकार ने सभी अधिकारियों के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए कमीशन लिया। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि जेई सुनील कुमार को भी उसने बतौर कमीशन के 20,000 रुपए दिए। जेई को कमीशन उसके घर पर पहुंचाया गया, लेखाकार पर नगर परिषद की चार दीवारी के भीतर ही एक तरफ ले जाकर कमीशन लेने का आरोप लगाया। ठेकेदार का कहना है कि उसके बाद जब उन्होंने आगे कमीशन देने से इनकार कर दिया तो अधिकारियों द्वारा उसे परेशान किया जाने लगा। यही वजह है कि उसके बिल पास नहीं किए गए। उसके पास काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी देने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने मजदूरों के साथ नगर परिषद के बड़े अधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंचा। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने न केवल उसके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि उसके खिलाफ FIR ही दर्ज करा दी। आपका शीशराम यादव। शीशराम जी, अभी आपने आरोप लगाए थे कि आपने 20-25% कमीशन दिया था, ये कमीशन आपने किसको दिया था और कब दिया? मैंने अकाउंट ब्रांच में रवि नाम का एक असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसको दिए थे 80,000 रुपए। इस सन 2017-18 की बात है, जब मेरा 5 लाख का लगभग एक बिल पास हुआ था तो उसमें 80,000 रवि को दिया था और जेई बोला भाई मेरे को ही दे देना, तो मेरा लड़का दुष्यंत उसके घर पे देने गया था। कौन जेई था? सुनील जेई था, जो स्वर्ण जयंती के पास सरकारी मकान में रहता है जी। उसको 20,000 मेरा बेटा दे के आया था और हाँ जी, उसके बाद मेरा सेकंड बिल पास हुआ था तो उसमें मैंने उनको दिया था 70,000 रुपए रवि को, जो कि अंदर ही जो बिल्डिंग के कोने में ले जाके उन्होंने मेरे से लिया था। बोले मैं अधिकारियों को अपने आप सुलटा लूंगा, तेरा काम सारा साइन में करवा दूंगा। उसके बाद तीसरा बिल में मैंने कहा मेरे घाटा हो गया, उसमें ये रोड़ा हुआ जो रोड़ा आज तक चल रहा है, जिसमें मेरा 10 और 12 लाख का घाटा भी कराया है, उस वो रोड़ा आज तक चल ही रहा है। मतलब आपके ये बिल इस वजह से रोके कि आपने जो है वो आगे जो कमीशन देने से इनकार कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया और मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगा दी, बिना गलती के आपने मेरे बिल कैसे काट दिया। हाँ। और उसका मैंने 2 नोटिस भी दे चुके हूँ नगर परिषद में और तीसरा कोर्ट के जरिए से नोटिस देने वाला हूँ। बिल ना फैसला देने के लिए मैं बोला सर मेरे घाटा पड़ चुका है मैं नहीं दे सकता, तो बोले तेरा वैसे घाटा निकाल देंगे। तो उन्होंने 10-12 लाख रुपए मेरे कामों में बिल काट दिया बिना कोई नोटिस, बिना कोई स्टेटमेंट दिए, बिना कोई गलती के, जबकि डीसी महोदय ने मेरे को 5 महीना अच्छे कार्य के लिए मेरा काम बढ़ा दिया था। तो मैं डीसी महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार की जड़ है नगर परिषद और यहाँ बरगद का भ्रष्टाचार। एसडीएम के नाम पर भी अब के आपसे लिए थे पैसे? मेरे से लिए थे, 18% में उनका भी नाम गिनाया था एसडीएम साहब का। हाँ, किसने गिनाया था? रवि ने गिनाया था कि एसडीएम साहब भी लेंगे। हाँ, वो सबका जोड़ के उन्होंने बोला कि इतना बनता है आप नहीं मिलोगे। वहीं सहायक लेखाकार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। इधर इस मामले को लेकर नगर परिषद के कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। पेमेंट जब स्टार्टिंग में हुई थी मेरे टाइम में, तो बस इतना था कि पेमेंट थी उसके जो चेक हमने दिए उनको। उसका आरोप ये है कि 1.5 लाख कुछ रुपए जो राशि आपको बताई है ये तो सही था, साथ में आपने एसडीएम के नाम का भी उपयोग करते हुए उससे पैसे लिए हैं। सर कितनी सच्चाई है? सारी मन गढ़त है, जितने भी वो चाहता है कि जितने भी लेवल पे बड़े अधिकारी है उनको घसीट के और ये सारा एक जर्रामर जो रच दिया है। और मैंने जगह भी उन्होंने बताई है कि उस जगह पे मैंने पैसे दिए। देखो सर, वो अच्छी तरह ये सारी चीज़ें जानता है कि चेक मैं ही बना रहा हूँ यहाँ से उस टाइम, क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट वैकेंट थी जब मैं स्टार्टिंग में से लग रहा था,
तो अब तो नए अकाउंटेंट जो आ गए हैं, चयन में सबके नाम ले। नहीं, चयन में उसने कहीं नहीं कहा कि मैं पैसा कैसे लैंड उनको दे के आया हूँ, सिर्फ आपका और सुनील देही का कहा है कि 20,000 रुपए मैं सुनील देही को दे के आया हूँ जो उनका घर है वहां पर, और 1,80,000 को जो समथिंग राशि है वो आपको यहाँ साइड में देके उनको दी गई है। सर वो सारी बात पे इसकी मनगढ़ंत है, जो भी चीज है वो क्यों मेरा नाम क्यों ले रहा है, क्या ले रहा है, ये तो मैं उसको अच्छी तरह से बता नहीं सकता। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों आरोप लगा रहा है, मेरी कोई इससे पर्सनली जाती दुश्मनी भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरी दुश्मनी है। अब वो किस वे पे किस वजह से बोल रहा है तो ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना बता SDM का भी कहीं नाम दिया गया था, SDM का भी सारी मनगढ़ंत कहानी है। SDM साहब से जो हमारे प्रशासक रहे थे उन्होंने बिल्कुल जो अपने बिल पेमेंट हुई है वो एक जेन्युइन तरीके से हुई है, जो हम देखेंगे कार्रवाई करेंगे मॉनिटरिंग लगा के और सारी चीज़ें, तो उसमें कोई इससे किसी तरीके का जो ये कमीशन का बता रहा है कि घूसखोरी चल रही है भ्रष्टाचारी चल रही है इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा ना किसी और अधिकारी का। और अधिकारी का आप कैसे कह सकते हैं? किसी का भी नहीं, अगर यही बोल रहे ना कि मैं नहीं पहुंचाता हूं सारी चीजें, तो जब मैं अपना बता रहा हूं, जब मैं पहुंचाता हूं तो मैं बता रहा हूं जी, ये किसी तरीके की कोई कहानी नहीं है इसमें, कोई इसमें चीज का ये जो बता रहा है ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सारी चीजें ना। ठीक है। इसे लेकर विपक्ष ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं तो यही कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो ये काम है आपकी कमेटी के अंदर वो धड़ल्ले से चल रहा है। अधिकारी जो हैं इतने भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। जब चुनाव से कमेटी के तब इन्होंने भाजपा वालों ने कहा था हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, तो वो पूरा भ्रष्टाचार कमेटी के अंदर है। उपायुक्त को इनके ऊपर सख्त से सख्त कानून इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस पर बीते दिन सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा था कि ठेकेदार ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर जांच करेगा कौन। स्थानीय प्रशासन की जांच कई बार रेवाड़ी की जनता बखूबी देख चुकी है, क्या जांच वही करेंगे जिन पर कमीशन लेने का आरोप लगा है, या फिर जाँच निष्पक्ष होगी यह तो समय ही बताएगा। देखो वो तो जांच का इशू है, जब जांच होगी उसमें अगर दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। जांच तो पहले भी हुई है, यहाँ तक कि सीएम विजिलेंस टीम ने भी जांच की, लेकिन उसका भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं है, कोई ना कोई कारण होगा, और उसका अगर अब दोबारा से कोई इश्यू आया तो उसकी भी जांच करवाएं। दो बड़ी जांच पहले से पेंडिंग है, फूड सप्लाई की है सर, दूसरी की अभी जल्दी है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से पहले ही बात की है और ये जल्दी 2-4 दिन में इसका रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका। ठेकेदार के आरोप काफी गंभीर हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाली सरकार को चाहिए कि तुरंत इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर जांच होगी तो ऐसे और भी कई शीशराम निकलकर सामने आएंगे जो अधिकारियों में इसी तरह पीड़ित हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट।